कंपोजिट हिंदी की बुक सुगम भारती, आज उसका 6-6 नंबर का लेसन जो है वो हम देखने जा रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। इसके लेखक हैं डॉक्टर इसरार गुणेश। दोस्तों, अल्मोड़ा ये जो प्लेस है ये राजस्थान में है, ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। अगर वैसे भी आपने कभी देखा माउंट अबू जैसे प्लेस है, ये बहुत ही सुंदर है, उसी की तरह ये अल्मोड़ा है, ये एक बहुत ही हिल स्टेशन है। और वहाँ के बारे में इस लेख में, इस जो ये जो कहानी है इसमें आपको जानकारी दी गई है। ये डॉक्टर इसरार गुणेश इसके लेखक है। इनका जन्म 1949 में बुंदेलखंड में हुआ था, और गुणेश जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील भी हैं और बहुत सुंदर लिखते भी हैं। और इनकी कृतियों में आपने देखा तसव्वुरात की दुनिया, इस्लाम कब क्यों और कैसे, योग से नमाज तक आदि बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने उनकी रचनाएं जो है, उनकी जो कृतियां हैं वो उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे योग से नमाज तक, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के बारे में लिखा गया है। ये जरूर आप, ये जो किताब है ये आप जरूर पढ़िए, डॉक्टर इसरार गुणेश की। और ये प्रस्तुत यात्रा, जो प्रस्तुत लेसन जो है हमारा गद्य है, ये यात्रा के वर्णन के द्वारा लेखक ने उत्तराखंड में अनेक जिलों में उनके सांस्कृतिक वैभव, अभी क्या हो गया है कि सभी हमारे जो स्टेट्स हैं वो बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो ये अल्मोड़ा जो है ये अभी कहाँ गया, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप देखिए इसको, इसका वर्णन जो है वो डॉक्टर इसरार गुणेश ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। आज हम ये लेसन डिटेल में देखते हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई, मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा हुआ था। गर्मी का मतलब आप जानते हो, अभी कुछ समय सारे बच्चे कहीं बाहर जाने के लिए उत्साहित थे। सब बच्चों का कहना था कि चलो बाहर चलते हैं। कहने लगे अप्पी, क्यों ना इस बार किसी पहाड़ी यात्रा का प्लान बनाया जाए, कहीं पहाड़ों पर चलते हैं। अप्पी का मतलब वो इनको कहते हैं, मतलब उनके उनके अगर बेटे हैं तो वो अपने अपने पिताजी को कुछ अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो बच्चे इनको कहने लगे अप्पी। तो बच्चे तुरंत क्यों ना बाहर चला जाए, उसके बाद में बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए और मनपसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। तो बच्चों ने क्या किया, तुरंत एक मैप लेके आए, वो मैप पर से शुरू कर दिया कि चलो कहाँ जाते हैं देखते। चर्चा के बाद उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। डिस्कशन किया सब बच्चों ने, बैठ के बड़ों लोगों ने, और डिसाइड हुआ कि हम लोग उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल जाना, कुमाऊं मंडल मतलब उसको एरिया, जो कुमाऊं उसका एरिया है उधर चलते हैं हम लोग। कुमाऊं मंडल अपने प्राकृतिक सुषमा एवं सुंदरता के लिए विख्यात है। कुमाऊं का जो एरिया है गढ़वाल वगैरह का, तो वो जो एरिया जो है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। प्राकृतिक सुंदरता का मतलब है नेचुरल ब्यूटी। अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं, ये सब जो लोग थे उनके फैमिली के, हम सब ने यात्रा की सूची बनाकर पूरी योजना बनाई। उन्होंने क्या क्या लगता है यात्रा के लिए, उन्होंने सब उसका सूची बनाई, मतलब पूरा डिटेलिंग लिस्ट बनाई, और लिस्ट के बाद में तैयारी कर ली। जिज्ञासा वश, तरुण ने सवाल किया। जिज्ञासा वश मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उनकी लड़की ने पूछा, आपकी कुमाऊं कहाँ है, कुछ बताइए। तब मैंने बताया उनको कि कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के दो प्रमुख मंडलों में से एक है। कुमाऊं मंडल के अंदर क्या क्या आता है, कुमाऊं मंडल में क्या क्या आता है बताया उन्होंने। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। अब इतने सब एरिया आता है। सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव मतलब कल्चरल हेरिटेज जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर सांस्कृतिक वहाँ पर धरोहर है हमारी। लोग अलग अलग तरह के रहते हैं, कैसे संस्कृति कैसे बढ़ी हमारी भारत की संस्कृति, उसके बारे में भी वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जानकारी मिलती है वहाँ पर। उसके बाद में प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी और संपदा से संपन्न, मतलब नेचुरल ब्यूटी मतलब सभी पहाड़ नदियाँ जो है वो बहुत सुंदर है वो एरिया में। इस अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है, ये उनकी पहचान है। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, गीत नृत्य, भाषा बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है। मतलब यहाँ पर हर चीज़ अलग है, हर चीज़, खाना पीना, सोना,
उनके लोगों के कपड़े, उनके डांसेस, उनका सब हर चीज अलग है। लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिक परंपरा विद्यमान है। यहाँ पर लोक साहित्य बहुत बहुत बड़े, मतलब क्या हम कहेंगे कि लोक साहित्य बहुत यहाँ पर सब लोग अच्छा विकसित हुआ है। लोक साहित्य का मतलब है यहाँ पर ग्रामीण जो साहित्य है वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप जब भी जाते हो इस एरिया में, आपको बहुत सारा वहाँ की किताबें पढ़ने को मिलती है। कुमाऊं का अस्तित्व भी वैदिक काल से ही है। कुमाऊं का अस्तित्व जो है वो वैदिक काल से है, मतलब वो बहुत पुराना पीरियड है, तब से ये इनका अस्तित्व है। अब जाने का दिन आ गया, इनकी प्रिपरेशन हो गई, उन्होंने डिटेलिंग दे दिया पूरा, लिस्ट विस्ट बना के, अब फैमिली तैयार हो गई, जाने का दिन आ गया। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर, निकल पड़े अपने। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुंचे। सबसे पहले ये लोग कहाँ पहुंचे? नैनीताल। नैनीताल बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, जरूर जाइए आप। हमारे कॉटेज बुक थे वहां पर, इन्होंने कॉटेज, मतलब जो हिल स्टेशन पे जब हम लोग जाते हैं तो होटलों से ज्यादा कॉटेजेस में रहना पसंद करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कॉटेजेस थे वहां पर, छोटी झोपड़ियां, लेकिन उसमें सभी तरह के अलग अलग, मतलब शहरी लोगों को जो भी पसंद है वह सब चीजें वहां पर मौजूद मिलती है। वहां के तालों, प्राकृतिक सुषमा, तालों का मतलब है वहां के तालाब। नैनीताल का मतलब है कि वो वहां पर वो तालाबों का लिए फेमस है नैनीताल, वहां बहुत सारे तालाब हैं। प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए, लेकिन ये लोग ज्यादा वहां पर रुके नहीं। ठीक है, सुषमा का मतलब है सुंदरता, उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता वहां की नैनीताल की देखा, लेकिन इनको आगे जाना था, उन्होंने वहां पर देखा सब, उसके बाद में अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए। देवदार के वृक्षों से ढकी मोह घाटियों के बीच सर्पीली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। आजू बाजू में कौन से वृक्ष थे? देवदार के वृक्ष थे, ध्यान में रखिए आप, देवदार के वृक्ष थे। और घाटियां जो थी, मतलब सड़क जो थी वो ऐसी जिगजैग थी बिल्कुल, घाटियां मतलब क्या होता है कि रोड जो है वो सर्प की तरफ रहता, सर्पीली सड़क पर इनकी कार जो है वो दौड़ रही थी। रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ी नुमा खेत और उसमें काम करते लोग, और आजू बाजू के पहाड़ों पर खेत उगाया जाता, मतलब आजकल के पहाड़ी पर भी खेत होता है और वहां पर काम करते हुए लोग ये सब दिख रहे थे इनको। श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरे पर अजीब से अलमस्ती और निश्चिंतता झलकती है। मेहनत करके जो लोग अपना पेट भरते हैं वो बहुत ही, क्या बोल देंगे, अपने आप में मस्त रहते हैं, वो उनका लाइफ ही अलग रहता है। उनकी तरफ देख के ऐसा लगता है कि ये लोग कितना खुश है। तो आजू बाजू में जो जा रहे थे तो लोग दिख रहे थे कि अपनी मेहनत से खेती में काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने के लिए निकले। अब ये लोग अल्मोड़ा पहुंच गए थे रात को, अब फिर दूसरे दिन सुबह अल्मोड़ा देखने के लिए निकल गए। जैसा पढ़ाया सुना था वैसा ही यहाँ देखने को भी मिल रहा था। राजा कल्याणचंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा, अब ये देखिए ध्यान में रखिए, अल्मोड़ा की स्थापना किसने की है? राजा कल्याणचंद ने। घोड़े की नाल के आकार के अर्ध गोलाकार पर्वत शिखर पर बसा हुआ है। तो अल्मोड़ा घोड़े का जो नाल होता है वो इस तरह का होता है, उस तरह की जगह पर ये अल्मोड़ा बसा हुआ है। चीड़ एवं देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसके प्राचीन स्वरूप को संजोए रखा है। बहुत सारे देवदार के वृक्ष है और हिमालय एकदम बाजू में, हिमालय की चोटियां हैं तो उस वजह से उन्होंने यहाँ पर जितना नेचुरल ब्यूटी है वो वैसी की वैसी संजोए रखा है, मतलब संभाल के रखा है, उसका जतन करके रखा है। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। वहां पर अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है, जिसको म्यूजियम की तरह कहते हैं, उसमें ऐतिहासिक और संस्कृति की कुमाऊं की झलक पूरी मिल जाती है। या विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली हुई पुरातन प्रतिमाओं, वहां पर बहुत सारे, क्या बोलेंगे, एक्सकैवेशन जिसको हम बोलते हैं, उत्खनन हुआ है तो उसमें से बहुत सारी प्रतिमाएं मिली है, वो भी प्रतिमाएं वहां इनको देखने को मिली, और स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संग्रह है। तो वो जो वहां पर जो म्यूजियम है उसमें वो ये सब चीजें वहां मौजूद है। ब्राइट एंड कार्नर ये अल्मोड़ा के बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है। अल्मोड़ा से 2 किलोमीटर कौन सा अद्भुत स्थल है? ब्राइट एंड कार्नर।
ठीक है, इस स्थान से उगते और डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी आते हैं। ये ब्राइट एंड ब्राइट एंड कामना, ब्राइट एंड कामना में क्या दिखता है, यहां से आप सूरज को उगते हुए भी देखिए और सूरज को डूबते हुए भी देखिए। ये हजारों लोग बाहर से भी आते हैं ये दृश्य देखने के लिए। रात हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद लिया, उन्होंने अल्मोड़ा में पहाड़ी भोजन किया रात में, बहुत सुंदर लगा हुआ शायद। तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित काली मठ चले गए। अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर ही दूर पर एक काली मठ नाम की जगह है। काली मठ ऐसा स्थान है जहां से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भर कर निहारा जा सकता है। यानी काली मठ अल्मोड़ा से और भी ऊपर है। अब आप वहां पर चले जाते हो तो आपको अल्मोड़ा और भी खूबसूरत नजर आता है, ऊपर से आप देखते हो तो बहुत सुंदर लगता है, उसकी खूबसूरती को जी भर कर निहारा जा सकता है। निहारा जा सकता है मतलब देखा जा सकता है, डिटेल मतलब बारीक में देखा जा सकता है। काली मठ के पास ही कसार देवी मंदिर है, वहां से हम बिनसर गए। काली मठ के पास ही एक कसार देवी मंदिर है और वहां से ये लोग कहाँ गए, बिनसर गए। बिनसर नाम की एक जगह वहां गए। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, वहां बिनसर जो है वो भी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। गाइड ने बताया, उनके साथ में गाइड भी था, कि बिनसर का अर्थ भगवान शिव है, बिनसर का अर्थ ही भगवान शिव है। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए फेमस प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर एक नंदा देवी का मंदिर भी है, उस नंदा देवी के मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई मतलब वहां पर बनाई हुई हाथ से बनाई हुई कई मूर्तियां फेमस है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, यहाँ पर जो मंदिर है गणनाथ का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहां से हम सब पहुंचे 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने। कितने वर्ष पुराना, 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने के लिए ये यहां से निकले। कोणार्क के बाद सबसे पुराना सूर्य मंदिर फेमस कहां पर है, कोणार्क में। कोणार्क के बाद देश का यह दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। यह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूरी पर है। कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। ये गोलू चितई मंदिर जो है ये लोगों की बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है इस मंदिर पर। इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियां टंगी मिलती है। यहाँ पर इस मंदिर में पीतल की बहुत सारी छोटी बड़ी घंटियां ही घंटियां हैं। वहां से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी जो देवदार के वृक्ष से ढकी है देखने गए। वहां से जोगेश्वर नाम की एक घाटी है, मनोहर घाटी, मनोहर मतलब बहुत सुंदर दिखने के लिए, बहुत सुंदर दिखने वाली, जो देवदार के वृक्ष बहुत ज्यादा है वो देखने के लिए गए। अल्मोड़ा सुंदर आकर्षक और अद्भुत है, इसीलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहाँ बनाई है। तो उदय शंकर जो है वो खुद बहुत ही बड़े क्या कहेंगे नर्तक है, उन्होंने अपनी नृत्य की स्कूल जो है, नृत्य का विद्यालय जो है वो यहाँ पर इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। वहाँ विश्वविख्यात नृत्यकार शिशुओं ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े नृत्य सीखने वाले लोग यहाँ आकर सीखते हैं। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा बहुत पसंद था। उदय शंकर की तरह रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी अल्मोड़ा बहुत ज्यादा पसंद था। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। स्वामी विवेकानंद जो है वो बहुत फेमस हुए थे और स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ कहा है कि विश्व भर में वेदांत जो है, वेदों का उन्होंने प्रचार किया था, हिंदू धर्म का प्रचार किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उनको भी अल्मोड़ा आके बहुत सुंदर लगा, अत्यधिक प्रसन्न हुए थे, बहुत ज्यादा आनंद हुआ था। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी, जिसको कहेंगे हम स्पिरिचुअल पीस। आत्मिक शांति का मतलब है स्पिरिचुअल पीस। स्पिरिचुअल पीस, आत्मिक शांति उन्हें मिली थी। मैंने बच्चों को बताया, लेखक ने बच्चों को बताया कि कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। तो कुमाऊं की जो संस्कृति है उसका सेंटर जो है वो अल्मोड़ा है। कुमाऊं के सुमधुर गीतों और उल्लास प्रिय लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई पड़ती है। तो कुमाऊं के जो बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं, उसके बाद में वहाँ उल्लास से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ लोक नृत्य की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही मिलती है। कुमाऊं भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यही है। कुमाऊं जो भाषा है वहाँ की,
उसका भी सेंटर जो है वो अल्मोड़ा ही है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है और वहाँ की मतलब वहाँ के लोगों के कपड़े या रहन सहन जो है वो सब वहाँ पर ही ज्यादा अच्छा दिखता है। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं, लेकिन इसके साथ में अल्मोड़ा में आपको मॉडर्न चीजें भी मिलती है, आज के जमाने की चीजें। यहाँ का पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगोड़ी बहुत फेमस है। अल्मोड़ा में कौन सी चीजें फेमस है ध्यान में रखिए, पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगोड़ी। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरा में कैद कर, सारे प्राकृतिक दृश्यों को कैमरा में भी इन्होंने कैद किया और अपने हृदय में भी कैद कर लिया। तो हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कसौनी के लिए अगले दिन रवाना हो गए। वो फिर अल्मोड़ा से आगे कसौनी चले गए, जो गांधी जी का प्रिय स्थल है। तो दोस्तों, ये जो अभी आपने देखा, ये एक प्रवास वर्णन जिसको हम कहते हैं, ये हमारे डॉक्टर इसरार गणेश जी ने किया है। बहुत सुंदर वर्णन किया है उन्होंने अल्मोड़ा का। और पहले नैनीताल, नैनीताल से ये अल्मोड़ा गए, फिर वहां से आजू बाजू में गए, फिर बिनसर गए। वो कहाँ कहाँ गए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बार दो बार। उसके लिए आपको जो स्वाध्याय है स्वाध्याय जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपके आपकी अपने आप ही रिविजन हो जाती है और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती है। साथ में वर्कबुक सॉल्व करना मत भूलिएगा। ये जो आज हमने 8th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी का 6th जो लेसन था हमारा, वो छठा लेसन देखा है, प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा, इसरार गणेश जी का ये लेसन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियो में हम आगे का लेसन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।